हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देख रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घड़ी। घड़ी या क्लॉक भी कहते हैं। और जो क्लॉक होती है दोस्तों, उससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके टाइप को और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो। तो देखिए, जो घड़ी होती है एक सिमिलरली एक वृत्त की तरह होती है, इसलिए इसका डायल हमेशा सर्कुलर होता है। आजकल तो वैसे आपको स्क्वायर डायल्स में भी आती हैं, लेकिन बेसिकली वो एक मतलब सर्कुलर डायल होता है, ठीक है, सर्कल के जैसा होता है। वो तो डिज़ाइन पर्पस से दे दिया गया है। हमेशा आपको क्या मानना है, आपको इसको सर्कुलर मानना है। अब एक सर्कल जो होगा, एक वृत्त जो होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होगा। तो घड़ी का ये वृत्त भी, ये भी कैसा होगा, डायल भी कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। जो घड़ी होती है उसका ये पूरा डायल जो होता है, वो सर्कुलर होने के साथ साथ 12 अंतरालों में विभाजित होता है। कितने, 12। और 12 जो अंतराल होते हैं, ये जो एक एक अंतराल होता है वो पांच पांच भागों में विभाजित होता है। तो 5 12 5 60 कितना हो गया, 12 5 60। इसलिए जब मिनट का काटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करता है, ऐसे 12 अंतराल कवर करता है, तो ये जो मिनट होता है वो होता है 60 मिनट। कितना होगा, 60 मिनट। और घंटे का काटा यहाँ से चलेगा तो ये हो जाता है 12 घंटे का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसके बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो जान लेते हैं। घड़ी एक वृत्त की तरह है। 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, ऐसे करके कोण बना दिया। ठीक है, एक मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360। पूरा 60 मिनट में काट दिया तो कितना आया, 6 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक अंतराल है, ये पांच भागों में विभक्त है, तो ये टोटल जो 5 मिनट होंगे ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब इस जैसा मिनट के लिए देखा, वैसे आर के लिए देख लीजिए। एक मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण 360 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, 360 बटे में 60, तो यह आ जाएगा 6 डिग्री। 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक आर में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 अपॉन में 12, तो काट देंगे तो आ जाएगा आपका, आप जाएगा आपका आएगा 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, एक घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री, तो एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा, मेनली याद रखिए किसका एंड का है, घंटे की सुई द्वारा, तो कितना आर कितना बनाएगी, आर का जो सुई होगी कितना बनाएगी, 30 अपॉन 60, मतलब हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब हम चलते हैं इसके टाइप फर्स्ट की तरफ, जो आपको पेपर में सीधी कंडीशन मिलेगी और ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनसे पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। तो जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, तो सुइयां विपरीत हो मतलब मिनट की और आर्स के एंड जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इनके मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इनके मध्य समय 30 मिनट होगा, तो समय 30 मिनट है। एक घंटे में एक बार यह एक दूसरे को विपरीत हो, एक दूसरे से विपरीत होती है। ठीक है, सही बात है, ये वाला इंपॉर्टेंट डेटा है दोनों। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से विपरीत होती है और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे से विपरीत होती है। अब देखिए, अब 24 घंटे में 24 बार क्यों नहीं हुई, क्योंकि 6 से 7 के मध्य एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ये 6 बजे से और 7 के मध्य विपरीत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ पे 6 पे घंटे का काटा रहेगा और यहाँ पे मिनट का रहेगा, तो जब मिनट यहाँ से इधर पहुँचता है, जब तक ये घंटे का काटा ये 12 पहुँच जाता है, जब जाके 7 पे पहुँच जाता है, तो दोनों मिल नहीं पाते, तो दोनों दोनों क्या होते हैं, अपोजिट नहीं हो पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्या नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से अपोजिट नहीं हो पाएंगे। अब देखिए अगला है, जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से कितना बना है, समकोण, तो इनके मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। कितना होगा, इनके मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। इनके मध्य 15 मिनट का समय होता है, ठीक है, 15 मिनट का समय होता है। एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है, एक घंटे में कितने बार, दो बार समकोण। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। सिर्फ देखिए 3 से 4 के मध्य, ये ध्यान से पढ़िए सुनिए, 3 से 4 के मध्य और 9 से 10 के मध्य केवल एक बार समकोण बनाती, कितने बार, एक बार 3 से और एक बार 9 से 10 और एक बार 3 से 4 के मध्य मात्र एक बार समकोण बनाती, इसलिए 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जब दो सुइयां एक दूसरे को ढक दें या ओवरलैप करें, मतलब एक के ऊपर एक हो,
जैसे कि आपके देखिए यहाँ घंटे का काटा हो गया, अगर इसके ऊपर आ गया ओवरलैप करके मिनट का, तो उसने दूसरे को क्या कर देता है, वो ढक देता है। तो जब वो ढक देता है तो ये जो घंटे का काटा है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन। तो देखिए इनके मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इनके मध्य 0 मिनट का समय होगा, क्योंकि वो वहीं पे है ना, एक दूसरे के ऊपर है। एक घंटे में एक बार एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है, एक घंटे में एक बार एक दूसरे से मिलेगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से मिलेगी या ओवरलैप करेगी, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, और 12 से 1 के मध्य एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, ठीक है, एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, ओवरलैप नहीं कर पाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे पेपर में एक नंबर का पूछा जाता है, तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। चलिए अब करते हैं मेनली क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कोण ज्ञात करना है हमको, इनके बीच में कोण ज्ञात करना है। तो 8:30 पर, 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये अगर ये काटा 6 पे है तो 8 पे तो रहता नहीं है, 8 के और 9 के क्या रहता है, बीच में रहता है। तो आपको पता है इतने का मान कितना होगा, 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री। तो 30 और 30 कितना हो गया, 60। अब ये आधा होगा तो 30 का आधा कितना हो जाता है, 15। तो आप सीधे 60+15 भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 75। लेकिन अभी तो मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया, अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, 30/12 गुणा में टाइम। कैसे याद रखोगे, ये एक कितने का डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, और ऐसे कितने खाने हैं, 12 खाने, मतलब 12 अंतराल है, और इन 12 अंतराल को कैसे आपको गुणा करना है, टाइम से गुणा करना है। तो आपको ये जो आर के ऊपर जो एक्स्ट्रा वो चला है वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 30/12, और टाइम हमेशा कौन सा लेना है, टाइम हमेशा वो लेना है जिस पे आपका मिनट का एंड हो। तो मिनट का एंड काय पे है, 6 पे है, तो 6 ले लिया हमने, तो 6 ले लिया, तो 6 × 2 = 12, और 2 से 15 बार तो ये कट गया, तो ये सॉरी 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 60+15 कितना आ जाएगा, 75 डिग्री इसका मान आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो ये 30 और ये 30, 30 और 30 कितने डिग्री हो गया दोस्तों, 60 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब घड़ी 9:30 बजाती है, तो 9:30 बजाती हो तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो 9 बजे अब 30, मतलब आधा फिर कैलकुलेट करेंगे, तो 30/12 गुणा में टाइम कौन सा लेना है, जिस पे मिनट का हो, तो 6 × 2 = 12, और 2 से काटेंगे 30 को, तो ये 15, तो कितना आ जाएगा, 90+15 कितना होगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, वो ये रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक क्या हुआ था कि जो हमारा आर का जो एंड था वो हमेशा ऊपर चलता था, ठीक है, हमेशा क्या होता था, उस टाइम से दिए गए ऊपर टाइम से चलता था, तो हम 30/12 गुणा में टाइम करके निकाल लेते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए 3:35 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 3:35, तो मिनट का काटा, तो यहाँ पर घंटे का काटा क्या हो गया, 3 से नीचे हो गया, कितने, 3 से नीचे है। तो ये 30 डिग्री का एक खाना, एक ये अंतराल जितना कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 - आपका आएगा 30/12 गुणा में टाइम, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। क्यों, क्योंकि 30 का अंतराल होता है और उसी में से हमको घटाना कुछ समय, तो 30/12 और गुणा में टाइम। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना हो गया, 90। 30 दिया 90, और ये एंड पता करना है कि घंटे तक काटा कितना नीचे आया, तो 90+30- का 30/12 गुणा में 7 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जहाँ पे मिनट का काटा वही लीजिए। तो 30 - 210/12 30 में से ये काटोगे आप, तो आएगा आपका 17.5, और जब आप इसको 17.5 को 30 से घटाओगे तो आएगा 90+12.5, और जब आप इसको जोड़ दोगे तो 90+12.5 हो जाएगा 102.5, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलैपिंग कंडीशन। ओवरलैप जब एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, ओवरलैप कर रही हूँ, ढक रही हूँ, तो अब देखना है हमको यहाँ पे,
तीन से चार के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी। तो अब देखिए, सिर्फ पूरे इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद करना है, 31/12 गुणा में टाइम और एक याद रख लीजिए 60/11 गुणा में टाइम। ये आपको मिनट वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि पेपर में आपको बिल्कुल कम समय में करना है, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम के मेरे करने के लिए आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। तो चलिए, तीन से चार के मध्य तो कितना टाइम है, तीन से चार, तो सबसे पहला ही टाइम लेना है। तो पहला टाइम लेंगे और उसी को टाइम से गुणा कर देंगे। तो 60/11 गुणा में टाइम की जगह रखा तीन, तो 180/11 तो आया 16 सही, 4/11। तो ये अब टाइम कैसा निकलेगा, 3:16 सही 4/11 मिनट पर ये एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। अब यहाँ पे देखिए, 9 से 10 के मध्य कब एक दूसरे से मिलेगी, तो कब है 9 से 10, ये 9 है और ये 10 होगा, तो इसके नीचे बीच में कहीं होगा, तो टाइम कौन सा लेना, हमेशा पहला वाला। तो 60/11 गुणा में टाइम, तो पहला टाइम लिया तो 9 आया, तो 540 गुणा बटे में 11 तो ये आया 49 सही 1/11। तो 9:49 सही 1/11 मिनट पर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे पर मिलेगी या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। चलिए, तो ये समझ आया होगा दोस्तों। अब इससे नेक्स्ट टाइप पहुँचते हैं, अपोजिट टाइप। कौन सा टाइप, अपोजिट। तो तीन से चार के मध्य कब यह एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो तीन से चार के मध्य कब होगी विपरीत, कब होना है ये पूछा है। तो हमेशा टाइम कौन सा लेना है, पहला वाला। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको पता है कि अपोजिट कब नहीं होती है, 6 से 7 के मध्य वो अपोजिट नहीं होती ना, तो ये इसको आपको बेस ले लेना है। क्या ले लेना है, बेस। अब यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट करना, हम जाना कहाँ पे, तो हमको 3 पे जाना है, तो बेस 6 है, तो 6 से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टाइम की जगह आपको क्या लेना है, फॉर्मूला सेम रहेगा 60/11 गुणा में टाइम, पर टाइम 3 है, तो 3 टाइम है, पर वो 6 से कितने दूर पे, 9, तो आपको आप क्या लेना है, 9। तो फिर कैलकुलेट करोगे इसको, तो 540/11 बराबर से आएगा 49 सही 1/11। तो ये आपका टाइम कितना आएगा, 3:49 सही 1/11 पर एक दूसरे के ये क्या होंगी, विपरीत होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इसका एक और टाइप देख लेते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 11 के मध्य कब एक दूसरे के विपरीत होगी, फिर से बेस टाइम कितना लो, 6। पहला टाइम कौन सा लेना है, हमेशा पहला वाला। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 60/11 गुणा में टाइम, टाइम की जगह देखो 10 का 1, 2, 3, 4, 3 और 4 पे, तो टाइम की जगह 4 रखो, फिर 240/11 21 सही 9/11। तो आंसर क्या होगा, 10:21 सही 9/11 मिनट पर ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण की कंडीशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा टाइप है, तो याद देखिए दोस्तों। आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि समकोण, एक घड़ी समकोण कितने बार बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है, ठीक है। और कब नहीं बनाती, सिर्फ 3 बजे, ये देखिए यहाँ पे 3 बजे और 9 बजे, ये सिर्फ एक बार समकोण बनाती है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए 1 से 2 के मध्य कब घड़ी की सुई समकोण बनाएगी, तो 1 से 2 के मध्य अब 2 बार समकोण बनाती है, तो हमको 2 वैल्यू आएगी, तो आपके जो पेपर में आंसर आएगा वो कोई एक आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से हमारा ये रामबाण फार्मूला है, 60/11 गुणा में टाइम, टाइम की जगह पे आपको क्या लेना है, पहले वाला, ठीक है। ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन में करना है, पर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, एक बार आपको बेस लेना पड़ेगा 9 और एक बार लेना पड़ेगा 3, और आपको चलना पड़ेगा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो 60/11 गुणा में टाइम, 9 से देखो 1 कितने दूर पे, 1, 2, 3 और 4, तो टाइम की जगह आप क्या लिखोगे, 4। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 240/11 मतलब 21 सही 9/11। तो ये कौन सा टाइम होगा, एक पहला पे समकोण बनाएगी, 1:21 सही 9/11 मिनट पर ये क्या बनाएगी, पहला समकोण। कि कौन सा समकोण, पहला, इसलिए मैंने M1 लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट करो दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने क्या किया, यहाँ से 3 को बेस माना और फिर से एक वैल्यू ले ली, 1 तक कितने देर, कितने अंतराल पहुँचेगा वो 10। तो यहाँ पे टाइम की जगह आप क्या रखना है, आपको 10। तो जैसे ही आपने 60/11 गुणा 10 किया तो 600/11 और ये आ गया 54 सही 6/11। तो आपका समय आ जाएगा
1:54:11 पर यह एक दूसरे से फिर से क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। तो दोस्तों ये इसके तीन टाइप थे और इसी से देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। इसका अगला टाइप आएगा जिसमें मैं इसके थोड़े फर्दर और भी क्वेश्चन को कराऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।